आई और भाभी घर में आज शिफ्ट हो गया हूँ, तो हम शिफ्ट हो गए भाई। राम की बेटियाँ एक तो आज ओपनिंग कर ली है क्योंकि काफी दिन से पैक्ड थी ये वाली, और ये वाली पैक्ड है और ये वाली पैक्ड है, ये वाली भी ओपन करनी होगी। मुझे लग रहा है ओपन होने में ये फिसल रही है, देखो ये फिसल रही है। कौन सा आ रहा? ये मेरे बेटे की दोनों की फेवरेट है। पर मौसम चेक करें कितना प्यारा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे माय टू फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और इसके अलावा सब्सक्राइब भी करें। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे 87 के सब्सक्राइबर्स हो गए तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द से जल्द हमारे और मेरे हस्बैंड जो है वो कब से गए हैं भाई के साथ। और यहाँ पर देखे ईमान को मैंने नहला के ये वाला ड्रेस पहना है। ईमान सलाम कर दो। ईमान आज जुमा तो नहीं है लेकिन कल जुमे, तो आप सब लोगों का एडवांस में ईमान जो है जुमा मुबारक कह रही है, और मेरी तरफ से भी आप सब लोगों का एडवांस में जुमा मुबारक। Hours later. Assalamu alaikum, my family. कैसे हैं आप सब? कैसा सब पैक है सब में? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अब काफ़ी बेहतर हूँ। तो अभी व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि कल से जो ना मैं काफ़ी बुखार हो गया था और आज जी दोपहर को हॉस्पिटल गया था आमिर भाई और अम्मी के साथ। तो अब थोड़ा सा बेहतर हूँ, इस वक्त रात के 10 बजे तो व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। और साथ ही साथ जो है ना यहाँ पर आमिर भाई सब मेरे सामने क्या काम शाम किए जा रहे हैं। इंटरनेट की वायर लगा रहा हूँ तो उसके लिए मैंने मेल फीमेल कनेक्टर लगाया, मतलब वायर बड़ी चेंज है तो कर। अच्छा जी, कल जो है ना ऑफिस से आया तो ऑफिस से आया अचानक बुखार होते होते बहुत तेज हो गया, फिर रात को हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में एक दो घंटे एडमिट रहा, उन्होंने ड्रिप लगाई और ड्रिप लगाने के बाद ना टेम्परेरी मतलब एक दो घंटे के बुखार फीवर कम हो गया। फिर जब बनाया ना इतना तेज़ बुखार, बुखार तेज़ मतलब सर बिल्कुल जो ना गर्म, सिर्फ जो सर बहुत गर्म था और बाकी जिसम पूरा ठंडा था। और फिर जो है सुबह ऑफिस से छुट्टी की और दोपहर तक ना फीवर कम नहीं हुआ, फिर दोबारा हॉस्पिटल विजिट किया और वहाँ पर जाके 3 घंटे एडमिट का डेट लगी। और अब रात के 10 बजे थोड़ा सा फ्रेश हुआ हूँ, कपड़े छपड़े चेंज किए, शावर लिए, तो अलहमदिल्ला काफ़ी बेटर हूँ। तो भाई अब मेरा दिल करे कुछ खाने का, कल से जो मैं फ्रूट में गुजारा कर रहा हूँ। और कल मेरे ख्याल से दलिया खाया था बाद में, कल से जो मैं दलिया पे बनाया कर रहा हूँ, पाँच बजे दलिया बना के देता। 3 बार पाँच बार दलिया ना, 3 बार सुबह 5 बजे खिलाया था आपने मेडिसिन के साथ, ठीक है, दोपहर 12 बजे मेडिसिन के साथ खिलाया था और अभी शाम को मेडिसिन के साथ आपने दलिया खिलाया था। दलिया भी खा रहा हूँ मैं, तो सिर्फ दलिया कर रहा हूँ, फ्रूट्स कर रहा हूँ और इसके अलावा अभी कुछ नहीं खाया था। यहाँ पर भाई और भाभी घर में आज शिफ्ट हो गया हूँ, तो हम शिफ्ट हो गए भाई। तो ये गाइस ऐसा सीन था कि कल जो ना छठा फ्रूट गया, रात को मैंने बोला ठीक हो जाऊँगा, मेडिसिन से लेनी है, ड्रिप लग गई है तो मैं ठीक हो जाऊँगा, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर जो ना दोपहर को दोबारा से फिर बहुत ख़राब हो गई। तो इसीलिए अम्मी ने कहा है भाई यहीं पर स्टे कर लो न्यू घर में, क्योंकि जो है ना अगर अल्लाह ना करे दोबारा से हॉस्पिटल विजिट करना पड़ जाए तो फिर जो ना नीचे आराम से उतर जाओ। वरना जो है ना कल और जो दोपहर को मैं हॉस्पिटल गया तो आमिर भाई साहब जो ना मेरे सीढ़ियों से पकड़ पकड़ ले गए, मतलब इतनी ही भी हिम्मत नहीं थी, इतना तेज़ बुखार था 102 103 के सीढ़ियों पर सको। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेटर हूँ। तो अभी चलो जी खाना छाना जो है ना दे दो जी, मैं और ईमान खाएंगे जी। खाने और बाहर का खाने मन करो, रोटी नहीं खाए। अच्छा अभी फिलहाल दाल चावल खाते हैं। आज ही खा रहे हैं ईमान, भैया के साथ खाओगी? भैया के साथ दाल चावल खाओगी? चलो जी भैया खाएगा, ठीक है, क्यों नहीं खाऊंगी क्यों, बस अच्छा पेट खुल है। हाँ चलो भैया, अब्बू के साथ बाहर गई थी शाम के टाइम, मैं बैठा होता ना आपसे तो मिल के गई थी अब्बू शाम में, क्या कहते हैं अब्बू के साथ, और उसके बाद आइसक्रीम भी खाई है इसने,
तो इसलिए ना सिस्टम पूरा हो गया, इसका जो है आज का पूरा पूरा हो गया, ये थोड़ी देर में सही। चलो ठीक, मैं दाल चावल खाता हूँ। और यहाँ पर देखो भाई, आमिर भाई साहब जो है ना वाईफाई का जो है ना क्या दिखा रहे हो भाई, ये पूछ रहे थे कि वायर क्यों लगा रहे हैं, ये सिस्टम क्यों लगा रहे हैं। तो इसलिए आ रहा था कि ये वायर भी छोटी है, बोर्ड तक नहीं पहुँचेगी, इसलिए मेल फीमेल प्लग लगा के पूरी वायर का कनेक्शन बना रहा हूँ। अच्छा, और भी दिखा दो, मैं टेस्ट करते सही चल रही है, जल्दी से लोग ग्रीन लाइट आई। चलो सही सही। अब ये जाके हथौड़ी के साथ ना कीले दीवार में लगा के ना, ये इसकी क्लिप्स लगा के दीवार के साथ इसे चिपका के लगा और बोर्ड में क्लिक कर। फातिमा आपने खाने? नहीं, मेरा पेट फुल है। चलो ठीक है जी, ये समझा दो फातिमा। आपने खाने? मैं खा लिया, खा लिया। फातिमा के ये क्यों कर रहे हो, ये कैसे कर रहे हो, समझ अभी तक नहीं आ रही थी, मैं इसको प्रैक्टिकली कर दे रहा था कि ऐसा। चलो भाई, सबने खाना खा लिया है, अभी जो है मैं खाऊंगा दाल चावल। अब दाल चावल के मज़े लेते हैं, और फिलहाल जो है ना डॉक्टर ने मना भी किया है, मतलब अनाप शनाप चीज़ें खाने से और ठंडा पानी पीने से। खैर, दाल चावल का थोड़ा मज़े हैं क्योंकि सादा चावल है और उसके साथ जो है ना दाल है, तो अभी दाल चावल इंजॉय करते हैं और मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद। और गाइस, यहाँ पर देखें, मैं दाल चावल इंजॉय कर रहा था कि यहाँ पर जो है ईमान जो है ना सो गई है भाई, इसको नींद आ गई है। दाल चावल तो बड़े मस्त बनाए आपने, वेलकम। चलो गाइज, अभी मैं आया हूँ किचन की तरफ। हम जो सामान ले गए थे पंजाब से, ये तीन आम की पेटियाँ, एक तो आज ओपनिंग कर ली है क्योंकि काफ़ी दिन से पैक्ड थी, ये वाली और ये वाली पैक्ड है और ये वाली पैक्ड है, ये वाली भी ओपन करनी होगी मुझे लग रहा है, ओपन होने की पिस रही है। हाँ, ये जो ना काफ़ी दिन हो गए पैक, मुझे लग रहा है पक गए। हाँ, नहीं, ये से खोलना फ्राइडे को था लेकिन आज खोल देते हैं, आज खोल देते हैं कि काफ़ी फ्राइडे हो गया 12 बजे। हाँ, तो ये ओपन कर लो ना, कर लो। बात ये कि सबसे पहली बात है कि शायद हमको पता था कि हम लोग के घर में पंखे चल रहे होंगे, तो यहाँ पंखे ही चल रहा है, वैसे पापा ने गर्माइश है। और दूसरा जो मिसाल है, पापा मुझे कहा था कि बुध को खोल लेना, बुध को नहीं फ्राइडे को कहा था, नहीं तो अच्छा भाई खोलो, ऐसे नहीं जो ना ये गल जाए। तो मैंने बताया था ना गर्मी अब बहुत ज्यादा है, तो उस हिसाब से मैंने कहा कि जल्दी खोल लेना 2 दिन पहले। चलो भाई ठीक हो गया। तो गाइस, हमारा बैग भी अभी तक यहाँ रखा हुआ है, देखें गाइस ये बैग रखा हुआ है। चलो भाई, ये सामान वगैरह इनका रखा हुआ है मेरे ख्याल से रूम अभी तक। अच्छा, दो वॉल्स करवाई, मुझे सिर्फ लगा ये वाली वॉल करवाई है, लेकिन ये भी करवाए तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। नहीं, मोबाइल क्या मनिया सुरभे, भाई ये बताओ ये कलर ही क्यों, कोई रीजन होगा इसके पीछे? आसमानी कलर खूबसूरत होता है और दूसरा लाइट भी होता है। डार्क ये बोले ना, इस कलर की कारपेट है आपके पास, ईरानी कारपेट तो, जो ईरान से आई थी, वो फिर अब बताएंगे ना बाद में। हाँ, वो बता दिया मेरे ख्याल से, मैंने व्लॉग ही देखा था। वो है ईरानी कारपेट, और दोस्त ने गिफ्ट की थी, उसका कलर भी बिल्कुल बेहतरीन है, खूबसूरत से समझ यही कलर। और दूसरी चीज, आप अगर कोई भी लाइटिंग करते हो, मैंने कुछ सोचा है फ्यूचर में, वो बताऊंगा लगा के क्यों मैंने ऐसा किया, उसमें आपको बिल्कुल से लगेगा और इंशाल्लाह आप भी कराओगे। चलो भाई इंशाल्लाह जो ना, वैसे अभी प्यारा लग रहा है, ऐसा नहीं है कि प्यारा नहीं लग रहा, प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर सामान अभी इन्होंने सेट नहीं किया, थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता सेटिंग करें। किचन तो इन्होंने माशाल्लाह बहुत प्यारा बना दिया है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। ये स्टोव भी काफ़ी माशाल्लाह प्यारा लग रहा है और मैच भी कर रहा है किचन के थीम से, देखें भाई। तो गाइस, हमारे जितने भी फ्लोर्स हैं उनके कैबिनेट्स हैं ना, जैसे ये कैबिनेट्स हो गए ना, हमारे सेम ही कैबिनेट्स हैं, इस कलर के कैबिनेट्स हैं। और ये देखें भाई, मसाला के बॉक्सेस चेक करें, ये भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है, ये चेक करें। और इसके ऊपर लिखा भी हुआ है भाई कि कौन कौन सा मसाला है। यहाँ पर देखें, जैसे काली मिर्च लिखा हुआ है, यहाँ पर धनिया पाउडर लिखा हुआ है, तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से सेटिंग की हुई किचन की। तो गाइस, यहाँ अम्मी भी आ गई है मुझे पूछने के लिए, और अम्मी नींद नहीं आ रही? नहीं, मैं तो शाम तक आपके साथ थी, शाम तक ऊपर चली गई, शाम तक मेरे साथ थी, या 9 बजे तक, 9 बजे तक थी ना आप? तो आप सोए हुए थे, फिर मैं ऊपर चली गई। अच्छा, मैं सो गया था? हाँ, आपके दिनों जब आए इंजेक्शन लगे आपको तो ड्रिप चली, तो आप सो गए थे। अच्छा, मैं भी आपके साथ सो गई थी। हाँ, हॉस्पिटल में तो मुझे होश नहीं था, तो फिर इधर आए तो हम तो आप सो गए, मैं भी सो गई। आप बेहतर हैं तबीयत? हाँ, मेरी आप ऑफिस से कितने बजे आई थी? मैं तो 3 बजे आ गई थी, 3 बजे हॉस्पिटल में किया था फातिमा ने। हाँ, मेरी दिन में तबीयत काफ़ी ख़राब थी, नहीं था, मैंने कहा अम्मी को कॉल कर लो और आमिर भाई को कॉल कर लो, मुझे हॉस्पिटल ले जाए। हाँ, तो मैं फिर जैसे मुझे फातिमा की वॉइस मैसेज पड़ा और मैं तो वहीं भाग गई। अच्छा, आप डायरेक्ट हॉस्पिटल आ गई? अच्छा, अभी सोने का इरादा नहीं है? सोने का इरादा। अच्छा, तो फिर आपको पूछने आई थी, आपको देखने आई थी, मुझे तो सारी थोड़ी होगी आपके देखने लगे। सुबह ऑफिस जाऊँ नहीं जाऊँ? नहीं जाऊँ बेटा, सुबह बिल्कुल नहीं जाऊँ, अगर इतना देर खर्चा किया ना तो क्या करूँ, कल का दिन भी रेस्ट करूँ ना? कल का दिन रेस्ट करूँ। चलो ठीक है,
कितना तो तेज चढ़ता है ना जब चढ़ता है। भाई ये वाला बहुत खराब फिरा, एक दिन का था और ऐसा लगातार चलाना कि रात को भी दिन को भी तरफ तरह। चलो अभी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, भाई फ्रेश भी हूँ। ठीक हो गया, हाँ दवाई तो खा ली थी मैंने, अभी एक बजे फिर से खानी है। सही है, दवाई पूरी आमिर से समझ लो, फातिमा जी दवाई पूरी ना आमिर से समझ लो। ठीक है ना, पूरी समझ लो, नागा नहीं करना वरना मैं इतना बहुत नागे करता हूँ। सुबह 5 बजे उठा के मुझे दलिया खिलाए, 5 बजे, 5 बजे मत रखना भाई, 6 बजे उठा देना, 6-7 बजे, 5 बजे कौन उठाते, 5 बजे कौन उठा के खिलाता है भाई, खिलाएंगे खिलाएंगे तुम्हें। खैर आप जो है ना मुझ पर दम वगैरह कर रही थी ना, कमेंट्स भी आ रहे थे कि अपने अम्मी से कहें कि दम करें, कौन कह रहा है, YouTube फैमिली कमेंट्स में कह रही थी। हां मैं तो सारा वक्त आपके पास रहती हूं। तो दम वगैरह का भी कह रही थी, नजर उतारे कह रही थी। हां इनकी भी चाबी लूंगी, इनसे भी करूंगी, इनकी चाबी लूंगी सुबह से घर से जब गुजरूंगी ना तो इनके ऊपर भी करके जाऊंगी। हां अम्मी डेली सुबह भाई नमाज अदा करके ना दम करती हैं। हां मैं करती हूं सुबह, आपके ऊपर करा था, दोपहर में भी करा था जब आपको ट्रिप चली गई थी। भाई की और भाभी की फ्रिज की अनबॉक्सिंग, सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा फ्रिज है और साथ में जो ना मिठाई पता नहीं कहाँ छुपा के रखी हुई थी, फ्रिज में तो नहीं थी क्योंकि फ्रिज की तो अनबॉक्सिंग है, ये मिठाई जो ना ऊपर वाली फ्रिज में थी, कहाँ छुपा के रखी थी। अच्छा देख रहे अबू फ्रिज तो प्यारे मिठाई को तो देखेंगे, मिठाई तो इसका जो कवर काफी ठंडा हो रहा था तभी जो ना हमें आइडिया हुआ कि भाई ये फ्रिज में रखी हुई थी, ये लास्ट में खाया जाएगा जैसे ही कवर आया। वाह भाई कौन सा वाला, ये मेरे बेटे की फेवरेट, सारी देसी घी, हां मेरा रुकार की दोनों की फेवरेट है, लेकिन अभी मैं नहीं खा सकता ना, थोड़ी सी थोड़ी सी, मैं देखता हूँ थोड़ी देर बाद खाऊंगा। चलो भाई फातिमा भाई आपकी जो ना डिमांड पूरी हो गई, मिठाई आ गई, आप कहते हैं ना भाई से मिठाई मिठाई मिठाई, तो आज जो ना मिठाई आ ही गई है। फातिमा को ब्लैक पसंद है, इसकी अच्छी है। हाँ भाई अबू कैसी लगे मिठाई और फ्रिज, जबरदस्त मिठाई भी अच्छी है फ्रिज भी। अच्छा काफी देर से भी लड़की खोल ली है। आमीन आमीन। चलो भाई यहाँ पर जरा फुल मिठाई फोड़ते हैं, अभी मैं नहीं खा रहा, मैं जरा कल खा लूंगा, मेरे लिए संभाल के रखना, मेरे लिए व्हाइट वाली जरा संभाल के रखना, मैं कल खाऊंगा। ठीक है मेरी भी व्हाइट वाली। चलो भाई थैंक यू आमिर मिठाई खिलाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलो भाई शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त जो है ना आपने फ्रिज लिए और मिठाई का भी इंतजाम किया, मिठाई संभाल कर रखना, अगर कल ना मिली मुझे तो फिर दोबारा लेके आनी पड़ेगी, लेके आनी पड़ेगी। और गाइस मिठाई के जो ना असल दुश्मन ये सामने जो ना मेरे दोस्त हैं, तो देखो भाई ऐसी जा रखना दोस्त, मेरा एक वाइट वाला छोड़ देना, बाकी पूरा जो ना मिठाई का डब्बा गायब कर देना, मेरा एक वाइट वाला छोड़ देना। ठीक है दोस्त, इसको क्या हो गया, वही मैं देख रहा हूँ कब से हंसने के बाद, अरे बर्फी दो भाई बर्फी दो, पूरा डब्बा दोस्त आपका, ये दिल खोल के खाएं, बस कौन सी एक रखनी है, व्हाइट वाली, व्हाइट वाली बात नहीं लगाना। फ्रूट लेकर आया था ना, उठ के बिस्मिल्लाह करके फिर अबू साहब ने उड़ा दिए फ्रूट सुबाके दोस्त, आम की पेटी भी खुल गई है, आपकी पेटी भी नहीं बचेगी ना, आम बचेंगे। तो गाइस मैंने खानी थी मेडिसिंस और मेडिसिंस खाने से पहले मैंने कुछ खाना था या पीना था, पी रहा हूँ मैं मैंगो शेक, तो ये जो है ना ठंडा नहीं है, मुझे ठंडा पीने से मना किया हुआ है, तो ये गर्म मैंगो शेक अभी पीऊंगा और उसके बाद मेडिसिंस खाऊंगा। तो गाइस इस वक्त बज रहे हैं 1:24 और ये दोपहर के नहीं रात के हो रहे हैं, तो खैर अभी जो है ना मैं पैनाडोल खा रहा हूँ, ये हर 4 घंटे बाद खानी होती है। 7 बजे मैंने मेडिसिंस खाई थी जिसमें 2 पैनाडोल थी और बाकी और भी मेडिसिंस वहाँ रखी उस शॉपर में, और अभी जो है ना 2 पैनाडोल फिर से खा रहा हूँ और उसके बाद जो है ना सो जाऊँगा, फिर मिलेंगे आप सब से भी सुबह के टाइम।
अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर और जुमा मुबारक। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं काफ़ी बेहतर हो चुका हूँ। आज भी ऑफिस से छुट्टी की, कल भी छुट्टी की थी, दो दिन छुट्टी की और प्रॉपर रेस्ट किया है और अभी रेडी होकर जा रहा हूँ मैं नमाज जुमा अदा करने। और इसके साथ साथ तमाम यूट्यूब फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे लिए बहुत दुआएं की, तो आप सबका तहे दिल से बहुत शुक्रिया। तो खैर ये व्लॉग करेंगे हम यहीं पर एंड। क्यों भाई एंड करें, जुमा मुबारक कह दो। बोलो मेरी प्यारी YouTube फैमिली को जुम्मा मुबारक। हाँ जी, तो चलें जी। वैसे ग्लासेस बहुत अच्छे लग रहे हैं आप पे, ये किसके थे बताएं? दुआ के। दुआ के, अच्छा वैसे दुआ ही लग रही हो आप। चलें जी ब्लॉग करते हैं पर एंड, और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो अरे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी तो बोल दो। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग। अरे रुको रुको रुको, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है ठीक है। हाँ। दुआओं में याद रखिएगा, हम भी अपना ढेर सारा ख्याल रखेंगे ना। ठीक है। बोलो वकार भैया ठीक हो गए? वकार भैया ठीक हो गए। हाँ अब जो है ना नमाज पढ़ने जा रहे हैं। नमाज पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलो भाई अब्बू जा चुके हैं, अभी मैं जा रहा हूँ और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। आप सब भी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।